गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मण हम लोग आज डिस्कशन करेंगे हेयर फॉलिंग पे जो कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि हेयर फॉलिंग के हम लोग के पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो किसी भी एज के आते हैं लेकिन ज़्यादातर 18, 25 तक का एज का आता है हम लोग के क्लिनिक में देखे देखते हैं साथ साथ बहुत सारे ओल्ड एज में भी आते हैं तो सबसे बेसिकली हम काउज देखेंगे कि हेयर फॉलिंग का क्या काउज हो सकता है तो मेनली में हम लोग इसमें बताते हैं कि कुछ कुछ काउज तो जेनेटिक भी होता है आप देखिएगा बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि उनके पापा का हेयर फॉलिंग का भी प्रॉब्लम रहा होगा तो उन लोगों में भी डेवलप रहता है ऐसा लेकिन मेनली जो काउज हम इसका देखते हैं कि ये किस कारण से होता है तो आज के डेट में आप देखते होंगे बहुत लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है जितने अमाउंट में उनको विटामिनस लेना चाहिए जितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए या जितने अमाउंट में उनको प्रॉपर जो एक न्यूट्रिएंट का एक प्रोविजन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं लेते हैं तो इसके वजह से भी झड़ सकता है तीसरा काउ इसका होता है कि बहुत लोगों को देखते होंगे कि किसी कारण से किसी को अगर हेडक है तो, तो भी झड़ रहा है या किसी पैथोलॉजी के वजह से बहुत लोगों का कार्सिनोमा के वजह से भी झड़ सकता है या कोई डिजीज़ के तो चलिए डिजीज़ का बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि पैथोलॉजी रहेगा तो तो डेवलप करेगा लेकिन अन इन इसके अलावा किसी को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से भी होता है बहुत लोग देखेगा नेट लेट नाइट खाते हैं लेट नाइट सोते हैं सोते हैं उन लोगों को इसके वजह से भी हेयर फॉलिंग हो सकता है तो चलिए तो वो तो कारण अलग है लेकिन अगर लेट नाइट भी कोई खा रहे हैं या सेडेंट्री हैबिट कर लीड कर रहे हैं बहुत लोग देखिएगा आराम तली जीवन बिता रहे हैं अधिक समय तक किसी केमिकल के एक्सपोजर में रह रहे हैं अत्यधिक समय तक मोबाइल का तो देख रहे हैं तो इस समय लेपटॉप पर काम कर रहे हैं तो उन सारे कारणों से हो सकता है तीसरी इसमें चौथी कारण आता है कि अगर हेयर है तो हेयर में आप जानते होंगे कि हेयर है तो उसके लिए हमको तेल चाहिए तेल का भी यूज कर सकते हैं हम लोग तो आज के डेट में क्या होता है अत्यधिक डिटर्जेंट का यूज करते हैं हम लोग शैम्पू का यूज करते हैं जिसके कारण भी बाल क्या हो रहा है अत्यधिक फॉलिंग कर रहा है तो इसमें ये सब कॉज है कि जिसके वजह से हम लोग को हेयर फॉलिंग हो सक होता है साथ साथ में कुछ मिसबिहेव की वजह से भी होता है बहुत लोगों में कुछ बैड हैबिट के वजह से भी देखते हैं ये तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं यह बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट का भी स्टूडेंट बहुत सारे लोग इसका मिस अपना मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी इसका बहुत सारा स्पर्म का कर रिलीज करने के वजह से भी ये डेवलप करता है तो ये जो है एक हमारे बॉडी का एक हेयर जो बोला जाता है एक हमारे मनुष्य के लिए जो ह्यूमन विंग है उसके लिए एक स्पेशल एक एक हमारा स्ट्रक्चर देता है हमारे शरीर को एक खूबसूरत बनाने में मदद करता है इसलिए ये ऐसे कंडीशन में हेयर का होना अति आवश्यक है अभी हम है। वाइट uh, जो हमारा हेयर हो रहा है उसके लिए भी बताएंगे लेकिन आज हम हेयर फॉलिंग का ही बात करेंगे कुछ कुछ इसमें क्या है कि ये काउज हो गया तो काउज को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जैसे बैठे बैठे लेट नाइट खाना या कुछ ऐसे वस्तु का हम इन टेकिंग करते हैं जो कि हमारे लिए उतना लाभदायक नहीं है जैसे देखिए बहुत लोगों को खाने का तरीका गलत है चाउमीन खाने ठीक है आप खाइए हम ये नहीं बोलते हैं लेकिन चाउमीन है पास्ता है ऐसे बहुत सारे स्पाइसी फूड है जिसका अत्यधिक सेवन करने से हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट हो सकता है तो ये सब काउज है जिसपे कि वो सब काउज पे हम ध्यान देंगे साथ में क्या है कि इसमें जो प्रिवेंशन हम लोग जहाँ तक करते हैं इसमें से है कि आप अंकुरित चीज लीजिए जैसे मुँह हो गया चना हो गया सोयाबीन हो गया ये सब का हम लोग इनटेकिंग करेंगे अगर लेते हैं प्रॉपर खाली पेट में तो चना हो गया अंकुरित चीज़ ज़्यादा लिखिए जिस अंकुरित चीज़ लेने से क्या होगा कि आपका साथ में जो एसोसिएटेड बैड हैबिट है बहुत लोगों का स्पर्न बिलीज रीज का मैटर है किसी को अगर लड़की हैं तो उनको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का केस है ये सब काउज को भी हटाना पड़ेगा तब हेयर फॉलिंग नॉर्मल कंडीशन में ठीक हो सकता है साथ में कुछ कुछ होम्योपैथिक दवा है इसका सेवन करने से भी हेयर फॉलिंग आपका ठीक हो सकता है जिसमें से काउ अगर रिमूव होगा तो लेकिन इसमें से अगर किसी कारण से जैसे आपका इसमें आता है लाइकोपोडियम है लाइकोपोडियम एक दवा है एसिड फोसिस की दवा है इवन की नेट्रम म्यूरिस की दवा है सी की दवा है ये सब तीस पावर में हम लोग सुबह शाम दस दस को सुबह शाम लेते हैं तो ये इससे आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है ये एक सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है जहाँ पे अगर किसी का कारण है अगर किसी को स्पर्म लीजिए ज़्यादा कर रहा है तो एसिड फोस देगा कारण उसमें उस एसिड फौज का प्रयोग किया जाता है किसी को अगर एनिमिक कंडीशन है तो उसमें हम लोग लो नेट्रो म्यूर देते हैं साथ में किस कोई कोई जीवन के लिए बहुत स्टैटिक कंडीशन में है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है डिप्रेशन केस में तो हम लोग वहाँ सीपिया का प्रयोग करते हैं तो ये सब मेडिसिन है जिसका कि सेवन करने से आपका हेयर फॉल ठीक हो सकता है विशेष जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है डबल नाइन जीरो फाइव एट थ्री टू नाइन टू सिक्स जिसमें कि शाम चार बजे से छः बजे के बीच में आप हमारा इस व्हाट्सएप रोम मोबाइल नंबर पे संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद